दोस्तों ट्रेडिंग में लॉस होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है रेंडम ट्रेड लेना। 95% लोगों को लॉस होता है रेंडम ट्रेड लेने के कारण। उसको पता ही नहीं रहता कि मुझे कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, ना इसके पास कोई सेटअप रहता है, ना इसके पास कोई मनी मैनेजमेंट होता है, ना इसके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट होता है, ना इसके पास कोई साइकोलॉजी होता है, ना इसके पास कोई ट्रेडिंग एटीट्यूड होता है। और रेंडम ही जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाई कर लेता है, मार्केट नीचे जाता है तो पुट बाय कर लेता है, और दिन में कम से कम 10-15 बार ट्रेड करते हैं, जिसके कारण इसके कई बार छोटा प्रॉफिट होता है और लॉस में बैठे रहते हैं। अब बहुत कम टाइम में वो अपना बैंक अकाउंट को जीरो कर लेते हैं और फिर लास्ट में ट्रेडिंग छोड़ के चले जाते हैं। फिर इसके बाद बोलते कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ यार, बिना नॉलेज के मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट समंदर में कूदेंगे तो क्या होगा, डूब जाएंगे। उसी प्रकार ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग एक जब बिजनेस है, इसका रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स बनाना पड़ेगा, एक सेटअप बनाना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ट्रेडिंग में रेंडम ट्रेड लेने से कैसे बचे? तो दोस्तों ट्रेडिंग में रेंडम ट्रेड लेने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक में आपको बता देता हूँ, जैसे प्राइस एक्शन हो गया मास्टर, उसमें बनना आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन में मास्टर बनना आपको, ट्रेंड लाइन में मास्टर बनना आपको, सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको मास्टर बनना है आपको, ये सब आपको टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है। उसके बाद आप खुद का आपके पास कोई ना कोई सेटअप होना चाहिए, कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, तभी कहाँ आपको बाई करना है, कहाँ आपको सेल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग गलती क्या करते हैं, इसको पता ही नहीं रहता कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, क्यों बाई करना है, क्यों सेल करना है। आपको ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा कितना लॉस हो सकता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है। ट्रेडिंग में आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे प्रॉफिट के बारे में पहले आपको स्टार्टिंग में नहीं सोचना है। सबसे पहले आपको लॉस के बारे में सोचना है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है और मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो आपको लॉस पहले बुक करना चाहिए, छोटा लॉस बुक करो, प्रॉफिट मार्केट आपको बढ़ा देगा। तो फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास एक सेटअप होना चाहिए कि आपको कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी स्टार्टिंग में मत बढ़ाइएगा ज़्यादा। स्टार्टिंग से आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 25 क्वांटिटी से धीरे धीरे बढ़ाइए। एक ही बार बहुत ऐसे लोग पोजीशन साइजिंग के वजह से भी उनको बहुत लॉस होता है, तो अपना औकात के हिसाब से पोजीशन साइजिंग बढ़ाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं उसमें आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए 1 लाख से आप ट्रेड करते हैं, तो आप इतने कितना रिस्क लेते हैं, 1% या 2% या 5%। 5% लेंगे तो आपको 5,000 का लॉस होगा। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले सोच लीजिए कि आज मुझे 1,000 रुपया लॉस करना है तो 2,000 कमाना है। इसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट के मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपया है, उसको 1 लाख से ट्रेड नहीं करना है, उसको 10 भाग कर देना है, ओनली फॉर 10,000 से ट्रेड करना है। उसको लगातार 3 महीना 6 महीना आपको ट्रेड करना है। अगर 10,000 से आपको प्रॉफिट हो रहा है लगातार, तो अब फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको क्या करना है, विड्रॉ कर लेना है। अगर लॉस हो रहा है तो फिर उसमें डाल देना है। और 10,000 से लगातार आपको 6 महीना ट्रेडिंग करना है। अगर आप 6 महीना लगातार प्रॉफिट में हैं तो 10,000 से आप फिर 15,000 कर सकते हैं। अगर लॉस में है तो 10,000 से ट्रेड कीजिए। और नंबर इसके बाद मैं लास्ट में बोलूँगा कि आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे कितना ट्रेड करना है। ओनली फॉर सोच लीजिए मुझे आज 2 ही ट्रेड करना है, पहले आपको पता है कि मुझे 2 ट्रेड करना है। अगर फर्स्ट ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया है तो दूसरा ट्रेड करना ही नहीं। और दूसरा ट्रेड में आपको मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो आपको लॉस पता होना चाहिए कि मुझे कितना लॉस है, तो फिर अगेन दूसरा ट्रेडिंग कीजिए। उसमें भी आपका लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। मैं मानता हूँ कि दोस्तों ये यहाँ पे आपको माइंडसेट बोलेंगे, भाई जब मार्केट में रहता तो इतना माइंडसेट काम नहीं करता है, मन करता है कि अगेन ट्रेड लूँ, जितना लॉस हो पर एक ही बार में प्रॉफिट हो जाए। मैं मानता हूँ ऐसा होता है, सबके साथ है, लेकिन आपको भाई अपने आप को काबू करना पड़ेगा,
अपने आप को साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, इमोशनल को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आपको ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर दो ट्रेड में आपका लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड आपको नहीं करना है। दूसरा ट्रेड आप तीसरा ट्रेड आप ले लेते हो तो समझ लीजिए आप खुद से कुल्हाड़ी अपने जांघों पर मार रहे हो, पैरों को मार रहे हो। ये याद रखिएगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगी, आपको साइकोलॉजी काम नहीं करेगा। इसलिए अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो दूसरा ट्रेड मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। अगर आप दूसरा ट्रेड करना भी चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रुपया अपना प्रॉफिट हो गया है तो ओनली फॉर 200 का रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर 200 रुपया अगर प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, अगर लॉस हो गया तो 200 रुपया लॉस बुक करके आराम से 800 रुपया आप घर लेके आइए। तो ऐसे आप रैंडम ट्रेड से बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर दोस्तों।